बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द शामिन फूड किचन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल शामिन फूड किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ देगी जरगा विदाउट ओवन। आज मैं विदाउट ओवन देगी जरगा बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है, और वो भी घर के मसालों से। चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं देगी जरगा बनाने के लिए हमें किन इन्ग्रीडियंट की ज़रूरत है। देगी जरगा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फुल मुर्गी ली है और ये तकरीबन 1.5 kg की है। इसको मैंने डीप कट लगवानी है, आपको नज़र आ रहे हैं फुल डीप कट है, थाई पे है, और ऐसे ही मैंने बैक पे भी इसके डीप कट लगवा लिए हुए हैं। ये देखें दोनों साइडों पे डीप कट लगे हुए हैं। एक प्याली मैंने दही ली है, इसका मैंने पानी स्ट्रेन कर लिया है, ये गाढ़ा दही है। 2 tablespoon अदरक लहसुन के पेस्ट है, 1.5 tablespoon विनीगर है यानी कि सिरका, 2 tablespoon लेमन जूस है और 2 tablespoon कुकिंग ऑयल है। स्पाइसेस में मैंने लिए हैं 1 teaspoon नमक, 1/2 teaspoon सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 teaspoon गरम मसाला, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 1/2 teaspoon काली मिर्च पाउडर, 1 tablespoon सूखा धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon पिसा हुआ ज़ीरा, 1/2 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 teaspoon फूड कलर। सबसे पहले मैं बोल में दही ऐड कर दूंगी। दही सबसे पहले इसलिए ऐड करूंगी कि इसके अंदर सारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। अब मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। अब इसमें जाएंगे सारे स्पाइसेस, लेमन जूस, वाइट सिरका और 2 tablespoon कुकिंग ऑयल। इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्सचर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर फुल चिकन ऐड कर दूँगी और इसके हैंड की मदद से अच्छी तरह से मसाला लगा लेंगे। इसके कट्स में भी अच्छी तरह से मसाला लगाएंगे। मैंने सारे चिकन को अच्छी तरह से मसाला लगा लिया, देखें डीप कट्स में भी अच्छी तरह से लगाया है और इसके इंटरनल पार्ट में भी अच्छे तरीके से मसाला लगा लिया है। अब मैं इसको रख दूँगी 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में मैरिनेट होने के लिए। चिकन का मैरिनेट किए हुए 4 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसको स्टीम करूंगी। आज मैं आपको बहुत ही इजी और क्विक तरीके से स्टीम करना सिखाऊंगी। आज मैं प्रेशर में स्टीम करूंगी। मैं जरगे को प्रेशर के अंदर स्टीम लगाऊंगी। प्रेशर के अंदर मैंने पानी डाल के उसको गर्म कर लिया है और इसको स्टीमर बना लिया है। प्रेशर के अंदर बहुत ही जल्दी स्टीम हो जाता है चिकन, और इसके अंदर मैंने जाली रख ली है। अब मैं जाली के ऊपर, अब मैं इसके ऊपर बटर पेपर रख दूंगी। यहाँ बेसिकली तो फॉल पेपर यूज़ होते हैं लेकिन मुझे आज मिला नहीं है तो मैं इसकी जगह बटर पेपर यूज़ कर रही हूँ। आपने ऐसे बटर पेपर रख लेने हैं और इसके अंदर आपने होल कर लेने हैं। फोक की मदद से जगह जगह आपने ऐसे होल कर लेने हैं। फॉक की मदद से मैंने इसके अंदर ये होल कर लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर चिकन रख दूंगी। ऐसे मैंने इसके ऊपर चिकन को रख दिया और ऊपर से ऐसे हम कवर कर दूंगे इसको। अब मैं प्रेशर के ऊपर से कवर कर दूंगी। प्रेशर को मैं ऊपर से कवर कर दिया और इसके ऊपर वेट लगा दूंगी। वेट के चलने के बाद इसे मैं 7 मिनट तक का प्रेशर लगाऊंगी। जरगे को स्टीम किए हुए
7 मिनट हो चुके हैं। 7 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। मैं अब आपको दिखाती हूँ कि चरखा बहुत अच्छे तरीके से स्टीम हो चुका है। ये देखिए बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है। अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। चिकन का मैंने प्रेशर से निकाल के प्लेट में रख लिया। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। इस तरीके से आप झटपट से इसको स्टीम कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप देचके में स्टीम करना चाहते हैं तो देचके में भी स्टीम कर सकते हैं, लेकिन देचके में स्टीम करने के लिए आपको 40 से 45 मिनट तक इसको स्टीम करना पड़ेगा। देखिए चरखा बिल्कुल रेडी है। आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे फ्राई करूँगी। फ्राई के अंदर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब मैं इसके अंदर चरखे को रख दूँगी फ्राई करने के लिए। हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसको एक साइड से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी। इसके बाद इसकी साइड चेंज कर लूँगी और फ्लेम को आप मीडियम टू लो पे ले जाएंगे। मैंने चरखे की साइड चेंज कर दी है। अब दूसरी साइड से भी इसको 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। देखिए इतनी अच्छी लुक आ गई है इसकी। दूसरी साइड से भी फ्राई होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। आपने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम के साथ, एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज करनी है। 2 स्पून की मदद से मैं इसकी साइड चेंज करूँगी ऐसे। देखिए इस साइड से बहुत अच्छा फ्राई हो गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए चरखा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी बना है। ऊपर से उतना ही स्पाइसी, अंदर से बहुत ही जूसी। मैं आपको चेक करवाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है ये। ये देखिए बहुत हॉट है, इसलिए मैं हैंड की मदद से नहीं तोड़ रही। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही जूसी है ये। आप मेरी इस रेसिपी को सेम ऐसे ही ट्राई करेंगे तो आपका भी बहुत ही अच्छा बनेगा और आप जिसको भी बना के देंगे उसे बहुत ही पसंद आएगा। मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी आपको। अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। और अगर अभी तक आपने शामिन फूड किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ्री पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।